झारग्राम में जेल खाने के पास ट्रांसफार्मर के नीचे लगी आग को देखकर राह चलते लोगों ने विद्युत दफ्तर कर्मियों के इंतजार किए बिना ही आग को बुझाने का प्रयास किया। किसी तरह से लोगों ने इस काम में सफलता भी हासिल कर ली। विद्युत विभाग के कर्मियों ने भी माना कि एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। उत्तर दिनाजपुर जिले में प्रेसिडिंग ऑफिसर राजकुमार राय की हत्या व अवैध तरीके से पैसे लेकर कॉलेजों में भर्ती समेत अन्य कई मांगों को लेकर बुधवार को SFI की तरफ से एक रैली निकालते हुए छात्रों ने रायगंज में जनसभा की। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন আন্দোলন করে আনফ্রন্ট সরকারের আমলে ক্লাস 10 ক্লাস 12 পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করাতে পেরেছে এই সরকার। আশা করে আমাদের কি স্কুলগুলো बुधवार को इस्लामपुर नगर निगम और रेलवे के अधिकारियों की तरफ से उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में अली नगर रेलवे फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। ये फ्लाईओवर के बनने से बिहार व बंगाल के बीच यातायात व्यवस्था और भी सुगम हो जाएगी। आसनसोल के BC कॉलेज मोड़ इलाके में खून से लथपथ एक रिक्शा चालक को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह बताया कि उसकी मौत सनस्ट्रोक के कारण हुई है। उत्तर दिनाजपुर जिले में मुलाकात के समय के बाद रोगी से मिलने न देने पर अस्पताल के महिला सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने पर आरोपी को रायगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल महिला सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पे कमीशन लागू की मांग पर बुधवार को बालूरघाट जिला प्रशासनिक भवन के सामने पश्चिम बंगाल सरकारी समिति के राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी ने विरोध दिखाया। मूल दावी छिलो जे पे कमीशन नवंबर 3 বছর শেষ হচ্ছে। তার সময় আমরা এই মুহূর্তে চাই যে পে কমিশনটাকে সুপারিশটাকে প্রকাশ রাজ্য সরকার করুক এবং চালু করুক। बुधवार के सुबह से ही आसनसोल में काजी नजरुल इस्लाम विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के छात्र छात्राओं ने विरोध दिखाना शुरू कर दिया है। कॉलेज की तरफ से इस बारे में जांच करने का आश्वासन दिया गया। ইভেন ডাম্পি লেভেল থিওডোলাইট তো দূরের কথা, একটা রোটামিটার অবধি খুঁজে পাওয়া যায় না যখন আমাদের দরকার পড়ে। আর তাছাড়া আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কিন্তু ল্যাব ফিসটা রীতিমতো নেওয়া হয়, তাহলে সেই ল্যাব ফিসটা কোথায় গেল সেই জবাবটা আমরা চাই। बुधवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के आलतापुर के टंगरपुर प्राथमिक विद्यालय में विपक्ष दल के 10 विजयी पंचायत सदस्य की तृणमूल में शामिल होने से आलतापुर गांव पंचायत पूरी तरह से विरोधी शून्य हो गया है। बुधवार की सुबह हुगली जिले के भद्रेश्वर बाबू घाट में लॉन्च के रुकने से पहले ही छलांग लगाने से गंगा में डूब गए भद्रेश्वर जूट मिल के कर्मी अशोक चौधरी। बाबू घाट के कर्मियों द्वारा अशोक को अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बांकुड़ा जिले के भेदुआ गांव के 40 वर्षीय तारापाद बाझी की सरकारी 100 दिनों के काम करने के दौरान मौत हो गयी। चिकित्सकों ने बताया कि गर्मी के कारण उनकी मौत हुई है।